दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आने वाले समय में तकनीक हमारी जिंदगी को कैसे बदलने वाली है? यार, ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी साइंस फिक्शन फिल्म में जी रहे हैं। उड़ने वाली गाड़ियाँ, रोबोट जो हमारे लिए खाना बनाते हैं, और शायद टाइम मशीन भी। चलिए एक रोमांचक सफर पर चलते हैं और जानते हैं भविष्य की तकनीकों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की। यार, ये AI कोई मामूली चीज नहीं है। ऐसे रोबोट बन रहे हैं जो इंसानों की तरह सोच सकते हैं, सीख सकते हैं और काम कर सकते हैं। मतलब अब तो तुम्हारा डॉक्टर भी रोबोट हो सकता है। और हाँ, भूलना मत नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को। इस टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर हमारी भाषा समझेंगे और हमसे बात कर पाएंगे। कल्पना करो, तुम अपने कंप्यूटर से कह रहे हो, यार थोड़ा गाना बजा दे, और वो बजा दे रहा है। अब आते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग पर। यार, ये तो और भी खतरनाक चीज है। ये कंप्यूटर इतने तेज होंगे कि आज के सुपर कंप्यूटर उनके सामने कछुए जैसे लगेंगे। इनकी मदद से हम नई दवाइयां बना पाएंगे, अंतरिक्ष के रहस्यों को सुलझा पाएंगे और ऐसी बहुत सी चीजें कर पाएंगे जिनकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन एक प्रॉब्लम है यार, ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है कि अभी इसे समझना भी मुश्किल है। अब बात करते हैं रोबोट्स की। यार, ये तो बचपन से ही हमारा सपना रहा है कि हमारे पास एक रोबोट हो जो हमारे सारे काम करे, और अब ये सपना सच होने वाला है। ऐसे रोबोट बन रहे हैं जो इंसानों की तरह चल सकते हैं, बात कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। मतलब अब तो तुम अपने रोबोट से कह सकते हो, यार थोड़ा घर साफ कर दे, और वो कर देगा। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना, रोबोट को कभी भी चाय बनाना मत सिखाना, वरना वो तुम्हारी जगह भी ले सकता है। चैप्टर 4, स्पेस। अब तो चांद पर भी प्लॉट बिकेंगे। अब चलते हैं अंतरिक्ष की सैर पर। यार, अब तो ऐसा लग रहा है कि जल्द ही हम चांद पर घर बनाने वाले हैं। SpaceX और ब्लू ऑरिजिन जैसी कंपनियां अंतरिक्ष पर्यटन को हकीकत बनाने में जुटी हुई हैं। कल्पना करो, तुम अपने परिवार के साथ चांद पर छुट्टियां मनाने जा रहे हो। और हाँ, अगर तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है तो तुम चांद पर जमीन भी खरीद सकते हो। चैप्टर 5, बायोटेक्नोलॉजी। अब तो बीमारियां भी डरेंगी। अब बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की। यार, ये तो जादू से कम नहीं है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम ऐसी बीमारियों का इलाज कर पाएंगे जिनका आज कोई इलाज नहीं है। जीन एडिटिंग की मदद से हम अपने जीन्स में बदलाव कर पाएंगे और बीमारियों से लड़ने की अपनी क्षमता बढ़ा पाएंगे। मतलब अब तो बीमारियां भी हमसे डरने लगेंगी। चैप्टर 6, एनर्जी। अब लाइट का बिल जीरो आएगा। अब आते हैं एनर्जी पर। यार, ये तो हमारी सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है। फ्यूजन पावर और एडवांस्ड रिन्यूएबल एनर्जी जैसी टेक्नोलॉजी की मदद से हम असीमित और स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त कर पाएंगे। मतलब अब तो लाइट का बिल जीरो आएगा। चैप्टर 7, AR/VR। अब तो रियल और वर्चुअल में फर्क करना मुश्किल। अब बात करते हैं AR/VR की। यार, ये तो गेमिंग और मनोरंजन की दुनिया में क्रांति ला देगा। ऑगमेंटेड रियलिटी की मदद से हम वास्तविक दुनिया में वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स देख पाएंगे। मतलब तुम अपने घर बैठे बैठे ही दुनिया की सैर कर पाओगे, और वर्चुअल रियलिटी की मदद से हम वर्चुअल दुनिया में जा पाएंगे और वहां जाकर कुछ भी कर पाएंगे। मतलब अब तो रियल और वर्चुअल में फर्क करना मुश्किल हो जाएगा। चैप्टर 8, नैनो टेक्नोलॉजी। अब तो चीजें खुद ही रिपेयर हो जाएंगी। अब आते हैं नैनो टेक्नोलॉजी पर। यार, ये तो बहुत ही छोटी चीजों से बहुत ही बड़े काम करने की टेक्नोलॉजी है। इसकी मदद से हम ऐसी मशीनें बना पाएंगे जो इंसानों के बाल से भी पतली होंगी, और ये मशीनें हमारे शरीर के अंदर जाकर बीमारियों का इलाज कर पाएंगी। मतलब अब तो डॉक्टर को इंजेक्शन लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चैप्टर 9, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। अब तो दिमाग से भी कमांड दे पाओगे। अब बात करते हैं ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस यानी BCI की। यार, ये तो सबसे ज्यादा दिमाग हिला देने वाली टेक्नोलॉजी है। इसकी मदद से हम अपने दिमाग से ही कंप्यूटर को कंट्रोल कर पाएंगे। मतलब अब तो माउस और कीबोर्ड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कल्पना करो, तुम सिर्फ सोच रहे हो कि तुम्हें क्या करना है, और कंप्यूटर तुम्हारी बात मान रहा है। चैप्टर 10, IoT। अब तो घर की हर चीज स्मार्ट हो जाएगी। अब आते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT पर। यार, ये तो हमारी जिंदगी को और भी आसान बनाने वाला है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से हमारे घर की सारी चीजें इंटरनेट से जुड़ जाएंगी। मतलब तुम अपने फोन से ही लाइट बंद कर पाओगे, AC चला पाओगे और दरवाजा खोल पाओगे। मतलब अब तो घर की हर चीज स्मार्ट हो जाएगी। चैप्टर 11, पर्यावरण। अब तो धरती माँ को भी बचा लेंगे। अब बात करते हैं पर्यावरण की। यार, ये तो हमारी सबसे बड़ी रेड ही चिंता है। लेकिन अब उम्मीद की किरण दिख रही है। क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी की मदद से
हम प्रदूषण कम कर पाएंगे, जलवायु परिवर्तन को रोक पाएंगे और अपनी धरती को बचा पाएंगे। मतलब अब तो धरती माँ को भी बचा लेंगे। चैप्टर 12 एडवांस मटेरियल। अब तो कप इंडीड भी सुपर पावर देंगे। अब आते हैं एडवांस मटेरियल पर। यार ये तो बहुत ही रोमांचक है। ग्राफीन जैसी नई सामग्रियों की खोज हो रही है जो स्टील से भी ज्यादा मजबूत और हल्की है। कल्पना करो, तुम ऐसे कपडीढ़े पहन रहे हो जो तुम्हें गोली से भी बचा सकते हैं। मतलब अब तो कपडीढ़े भी सुपर पावर देंगे। चैप्टर 13 खाना। अब तो लैब में ही बिरयानी बनेगी। अब बात करते हैं खाने की। यार ये तो हमारी सबसे बड़ी ढी कमजोरी है, लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी एंड फूड प्रोडक्शन की मदद से हम लैब में ही मांस, फल और सब्जियां उगा पाएंगे। मतलब अब तो लैब में ही बिरयानी बनेगी। चैप्टर 14 जिंदगी का असली फंडा। यार ये सारी टेक्नोलॉजी तो कमाल की है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि असली जिंदगी इससे कहीं ज्यादा है। हमें तकनीक का इस्तेमाल सही तरीके से करना होगा ताकि हम एक बेहतर और खुशहाल जिंदगी जी सके। चैप्टर 15 पढ़ाई। अब तो रोबोट से ही ट्यूशन पढ़ेंगे। और हाँ, पढ़ाई के बारे में मत भूलना। एजुकेशन एंड लर्निंग टेक्नोलॉजीज की मदद से पढ़ाई और भी मजेदार और आसान होने वाली है। AI ट्यूटर्स और वर्चुअल क्लासरूम्स की मदद से तुम कभी भी कहीं भी पीआर आज पाओगे। मतलब अब तो रोबोट से ही ट्यूशन पढ़ेंगे। ओत्रो, भविष्य उज्जवल है। तो दोस्तों, ये थी भविष्य की तकनीकें जो हमारी दुनिया को बदलने वाली है। हमें उम्मीद है कि हम इन तकनीकों का सही और जिम्मेदार उपयोग करेंगे ताकि हम एक बेहतर और स्थायी भविष्य बना सकें। धन्यवाद।